नेमिश आकाश एंड यूर वॉचिंग माँ भूख लगी है। जनाब, मार्केटिंग यानी बाज़ारवाद के इस दौर में लंबे समय तक वही चल सकता है जो अपनी फूड की क्वालिटी एंड सर्विसेज को लेके कस्टमर के दिलों में कुछ जगह बना ले। यही खोजते खोजते हम यार आए हैं 35 साल पुराने धीरज वैष्णो ढाबा पे, जो गुड़गांव सेक्टर 18 में है। चलो जाके देखते हैं यहाँ के फूड। हम वेज फूड ट्राई करेंगे वैसे आज, जाके देखते हैं इनके फूड में ऐसा क्या है कि यहाँ पे कस्टमर की एनी टाइम भीड़ लगी रहती है। मैं 3-4 बार यहाँ पे खा भी चुका हूँ। चलो ऑनर से बात करेंगे, शॉप की टाइमिंग क्या है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे कर सकते हो। आप शॉप के ऑनर मिस्टर नरेश मेरे साथ हैं। सर कितने साल पुरानी शॉप है ये? सर 1986 से शुरू किया था हमने कारोबार, तो समय अराउंड आपको मार्केट में सर्व करते करते 34-35 साल हो चुके हैं। तो टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तो डाइनिंग देते हैं। उसके बाद हम 1 बजे जो है 1 बजे तक ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। 1 बजे तक कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी आप कर सकते हो। जैसे सर मैंने देखा है यहाँ पे स्विगी जोमेटो वाले एनी टाइम रहते हैं, तो एक दिन में कितने ऑर्डर निकल जाते हैं सर ऑनलाइन? आप समथिंग आइडिया 500 समथिंग तो निकलते हैं। 500 ऑनलाइन? ओके। एंड सर डाइनिंग अलग है उसकी? डाइनिंग तो अलग है, डाइनिंग का तो कोई इशू नहीं है, डाइनिंग तो यही अलग है। तो सर क्या ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कितने बंदे एक बार में बैठ के खा सकते हैं यहाँ पे? हमारे पास 100 लोगों की कैपेसिटी है। ओके, तो आपने पूरा ये कैबिन भी बना रखा है? 2 कैबिन एसी के, इनका सर अलग चार्ज है एसी कैबिन का? नहीं, सब चार्ज एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फैमिली वालों के लिए आपने सेपरेट बना रखा है? सेपरेट है फैमिली के लिए, जो कैबिन है वो फैमिलीज़ के लिए। ओके गाइज, आप देख सकते हैं यार ये जो लोकेलिटी है सेक्टर 18 रोड पड़ता है, आप देख सकते हैं। अगर इस लोकेशन से आप कभी भी आते हैं सर, कॉर्पोरेट बुकिंग भी बुक करते हैं, जो कॉर्पोरेट अगर कोई भी अगर आता है बुकिंग इनके पास तो ये सर्व कर सकते हैं उनको भी। और बाकी हम जाके फूड टेस्ट करते हैं इनका और आपको रेटिंग भी देंगे कि 10 में से इनको कितनी, इस फूड को कितनी रेटिंग दी है। मेरे को देखने में तो अच्छा लग रहा है यार। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप क्या क्या ट्राई करूँगा और उनकी क्वालिटी कैसी है। चलो गाइस, and now I'm wasted thinking about it. You got it right this time, nothing is out of line, and now I'm wasted thinking. चलो यार मेरी थाली लग चुकी है। जो मेरे को इन्होंने दिया है ये गुलाब जामुन है यार, ये दिया है इन्होंने दाल फ्राई, एंड ये है पनीर, कढ़ाई पनीर। ये अपना साथ में सैलेड देते हैं, साथ में गार्लिक नान है। ये स्टफिंग देखो यार गार्लिक नान की एक बार आप, स्टफिंग कितनी अच्छी कर रखी है इन्होंने। और साथ में तवा रोटी, सबसे बेस्ट मेरी है ये वाली मिर्ची यार। मैंने भैया से बात की थी, इस मिर्ची में इन्होंने 7-8 चीज़ें डाली है, मुझे याद भी नहीं क्या क्या है। 1-2 चीज़ें मुझे याद है, इसमें आमचूर डाला हुआ है, इसमें सरसों का तेल है, इसमें हल्दी है, और बाकी चीज़ें मुझे याद नहीं है। बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, और बाकी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है यार। मेरे को देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये लिया मैंने दाल तड़का केस। अगर आपको यार असली ढाबे का खाना खाना है ना, तो कम टू धीरज वैष्णो ढाबा, आपको पता चलेगा कि ढाबे का खाना कैसा होता है यार। प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये जो दाल इन्होंने मुझे दी है इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी 100 रुपीज़ की पूरी भरी हुई थी, आधी मैंने इसमें डाल ली। और ये है कढ़ाई पनीर, इनका टेक्सचर देखो कढ़ाई पनीर का आप। इसकी कॉस्ट यार समवेयर अराउंड 170 रुपीज़ है। एंड गार्लिक नान की बात करूँ, गार्लिक नान की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़। 3 गार्लिक नान आपको मिलते हैं इसमें। एंड आपका तवा रोटी की कॉस्ट है, अगर विदाउट बटर लेते हो तो इसका 6 रुपीज़ कॉस्ट है, अगर बटर के साथ लेते हो 8 रुपीज़ कॉस्ट है। एंड सैलेड फ्री होता है यहाँ पे। एंड यार ये अचार, एवरग्रीन अचार, एंड इसकी कॉस्ट यार 115 रुपीज़ की है, राइट। बाकी यार 1-2 बाइट और मैं लेके देखता हूँ। तो मैं गार्लिक नान ट्राई करता हूँ। ये लगाया मैंने कढ़ाई पनीर, यार ये फूड आप 7 के 7 डेज खा सकते हो। जिसको यार वेज खाना पसंद है, नॉनवेज नहीं खाता, अगर नॉनवेज भी खाता होगा तो यहाँ पे आके वेज फूड ट्राई करो, नॉनवेज भूल जाओगे यार आप। मैं भी यार हार्ड को नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आज मुझे सही में लग रहा है कि वेज में भी स्वाद होता है यार। बाकी अगर इस लोकेशन पर आपको आना है तो इस लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, ऊबर ईट्स, जोमेटो एंड स्विगी, जो 3 लीडिंग ऐप है, मार्केट ऐप है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। आइसक्रीम से फिनिश कर रहा हूँ मैं चीज़ को। दूसरी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये है, यहाँ पर फ़ौजी भाइयों के लिए यहाँ खाना फ्री मिलता है। फ़ौजी भाई आइए, अगर कोई भी आपके यहाँ से फ़ौज में है उनको लेके आइए, उनके साथ खाना खाइए, एंजॉय कीजिए खाने को और फूड का टेस्ट कीजिए। और अगर कोई भी फ़ौजी भाई वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आके खाना खाइए और उसका मुझे बताइए कि खाना कैसा लगा आपको। चलो गाइस, वी आर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।